जस्टिस बानू कई साल तक लड़ी तब उसको न्याय मिला, अब उसकी जिंदगी भी खतरे में डाल दी सरकार ने। महिलाओं को सुरक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, महिलाओं को सुरक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। इस तरह का आप जो ये संदेश दे रहे हैं, इससे संदेश से ये साफ मैसेज जाता है कि देश के अंदर न्याय नाम की चीज नहीं रह गई है। टारगेटेड वायलेंस जो है लगातार जारी रहेगी किसी ना किसी स्वरूप में। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बल्कि इस बानों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। ये सरकार जो है गूंगी बहरी हो चुकी है और ये सिर्फ आतंकवादी और जो आरएसएस के गुंडे हैं उनको ये बढ़ावा देती है। आरएसएस जो ये बीजेपी की सरकार चला रही है वो किस तरह का भारत बनाना चाह रही है ये स्पष्ट हो गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जब प्रधानमंत्री नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे थे तब गुजरात सरकार ने केंद्र की गाइडलाइंस को दरकिनार करके बिल्किस बानो, जो कि गुजरात का जब दंगा हुआ था उनके साथ गैंगरेप हुआ था, उनके परिवार को बर्बरता से मार दिया गया था, उसकी जो सर्वाइवर है उन्होंने लगातार न्याय की लड़ाई लड़ी और उसके बाद फाइनली जब उनके कॉन्विक्ट्स को, उनके जो अक्यूज थे उन लोगों को सज़ा दे दी गई तो गुजरात सरकार ने उसको बदलते हुए उनको रिहाई दे दी। उस दिन जब देश भर के लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे थे, वो महोत्सव मना रहे थे जिसकी बात प्रधानमंत्री और मोदी सरकार लगातार कर रहे हैं, देखा गया कि किस तरह से केंद्र की गाइडलाइंस जो खुद ये कहती हैं कि रेपिस्ट्स को रिहाई नहीं दी जा सकती, रेमिशन नहीं दिया जा सकता, उसको दरकिनार करके 1992 के एक कानून का हवाला देते हुए गुजरात सरकार ने ये फैसला लिया। उसके बाद हमने देखा कि विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के लोगों ने किस तरह से उन 11 अक्यूज्ड को, जो कॉन्विक्ट थे जिनको सज़ा हो चुकी थी बकायदा, उन लोगों की रिहाई का जश्न मनाया, उन्हें मिठाइयाँ खिलाईं, उनको नवाजा गया और इस तरह से जो पूरा ये प्रकरण चला है उसके विरोध में आज जो नारीवादी संगठन है, लेफ्ट पार्टीज हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सड़कों पर उतर करके आए हैं ये सवाल उठाने के लिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट चुप्पी साधे रहेगा, कि क्या गुजरात सरकार का जो ये फैसला था उसको वापस नहीं लिया जाएगा, क्या अमित शाह और मोदी सरकार बिल्कुल चुप रहेंगे इस पूरे प्रकरण पर, और किस तरह का मैसेज जा रहा है ना सिर्फ देश की महिलाओं को बल्कि खास तौर से मुसलमान महिलाओं को और पूरे मुसलमान समाज को कि क्या उनके साथ इसी तरह का बर्बरता, इसी तरह का वायलेंस और इसी तरह का ऑपरेशन उसको कंटिन्यू किया जाएगा और उसको ग्लोरीफाई किया जाएगा। ये सवाल है जो आज यहाँ पर जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लगातार उठा रहे हैं। आइए देखिए ये रिपोर्ट। दो में जब एक कम्युनल कार्नेज हुआ, जेनोसाइड हुआ, नरसंहार हुआ, उस वक्त इन लोगों ने बिल्किस बानो की, और भी हुए लेकिन बिल्किस बानो का गैंगरेप हुआ जबकि वो 5 महीना प्रेग्नेंट थी और उसके घर के परिवार के परिवार वालों के सामने हुआ, उसकी माँ बहनों का गैंगरेप हुआ और उसके घर के लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। हमें दाद देनी पड़ेगी बिल्किस बानो की कि उसने केस लड़ा और एक के बाद एक विफलताओं के बाद फाइनली वो जीती और उन लोगों को सज़ा हुई। उसके बाद गुजरात सरकार ने अभी उनको रेमिशन दिया, रिहाई दी, जो कि एक बहुत शर्मनाक बात है। एक गैंगरेप कन्विक्ट और नरसंहार के कन्विक्ट को, वो भी कम्युनल कार्नेज में, आप इस तरह से रेमिशन दे रहे हैं, क्या मैसेज जाता है औरतों को कि ऐसा होगा, आपके रेपिस्ट जो हैं आप पीड़िता बनकर हमेशा ही रह जाएंगी, हमेशा ही पीड़िता बनकर रहेंगी, डर में रहेंगी, दबके रहेंगी। एक तो ये मैसेज जाता है, दूसरा मुसलमानों को ये मैसेज जाता है कि अब आपके साथ आपका यही हश्र होना है। तीसरा एक और है जो इनका साथ देगा, जो तीस्ता के साथ हुआ वो होगा। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं सब तरफ से पीड़ितों को, उत्पीड़ितों को घेरा जा रहा है, इस घेराबंदी के हम खिलाफ हैं।
इस उत्पीड़न के खिलाफ हैं, औरत की गरिमा का मजाक उड़ाने के खिलाफ हैं और ख़ास करके बिल्किस बानो के कन्विक्स को यूं रिहाई मिलने के हम खिलाफ हैं। हम मांग करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फौरन गुजरात सरकार के इस फैसले को रोल बैक करें और अगर वो नहीं करती तो फिर सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटू संज्ञान लेकर हिंदुस्तान में रूल ऑफ लॉ को बहाल करने के लिए फौरी कदम उठाने की ज़रूरत होगी। आज अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति सभी महिला संगठनों के साथ में मिलकर प्रदर्शन कर रही है जंतर मंतर पर, क्योंकि बीजेपी की गुजरात सरकार ने बलात्कारी को और खूनी लोगों को 11 जनों को रिहा कर दिया आज़ादी के दिन। अब ये कतई हमें मान्य नहीं है। ये जो पूरा गुनहगारों को और बलात्कार करने वालों को अगर मुक्त करती है सरकार, तो ये संदेशा देती है कि देश के अंदर अभी भी आप देखिए तो जो गुनहगारों को सज़ा होने का प्रमाण है सिर्फ 25% है, तो ये तो और भी कम हो जाएगा। और अगर गुनहगार को सज़ा हुई भी तो सरकार उनको छुड़वा देगी, इसका मतलब गुनहगारों का राज चलेगा इस देश के अंदर। आप देखिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के दिन ऐसा होना, ऐसी घटना घटनी हमारे देश के अंदर, जब ऑलरेडी जुल्म बहुत बढ़ गए हैं इस देश के अंदर। बिल्किस बानो कई साल तक लड़ी तब उसको न्याय मिला, अब उसकी ज़िंदगी भी खतरे में डाल दी इस सरकार ने। 3 साल के बच्चे को तो भी नहीं छोड़ा था इन बलात्कारियों ने और इन खूनी लोगों ने। तो RSS जो ये BJP की सरकार चला रही है वो किस तरह का भारत बनाना चाह रही है ये स्पष्ट हो गया है। उनके भारत के अंदर गुंडों का राज चलेगा और ये लोग वही हैं जिन्होंने आज़ादी के साथ ना इंसाफी और गद्दारी करी थी। RSS ने एक कतरा खून नहीं बहाया है और उस वक्त आज़ादी के आंदोलन के वक्त वो दंगे फसाद कराने पे मशगूल थे, ब्रिटिश को साथ दे रहे थे। अब ये गद्दी पे बैठ के यही तो करेगी देश के अंदर, यही तो ना इंसाफी करेंगे। तो ये लोगों को गद्दी से हटाना, आम भारतीय नागरिक ने अपनी आवाज़ उठाना, ये आज बहुत ज़रूरी हो गया है। और इसके लिए गांव-गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में, बस्ती बस्ती में औरतें गुस्से में हैं और ये डिसीशन ये सरकार को वापस लेना होगा, उन गुनहगारों को फिर से जेल में बिठाना होगा। ये जो कुछ भी हुआ है गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से, हम समझते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हीनियस है। इट्स नॉट गुड, लोगों में मैसेज जाएगा। हमारी सरकार हमेशा बात करती है कि नारी शक्ति, नारी सम्मान। इस सब होने के बाद, ये सब होने के बाद, ये रिहाई के बाद लगता है कि कोई नारी सम्मान नहीं है। और किस तरीके से लोगों को रिहा कर दिया गया, फिर उसमें मिठाइयाँ खिलाई गईं और गार्लैंड पहनाए गए, ये सब देखते हुए लगता है कि कोई नारी सम्मान नहीं है। मैं चाहती हूँ, मेरा ये अपील है गुजरात गवर्नमेंट से कि प्लीज़ इस ऑर्डर को वापस लें और जल्द से जल्द बिल्किस बानो को फिर से न्याय दिलाएं। जो बिल्किस के साथ हुआ है, उसके फैमिली को मार दिया गया और उसके हथियारों को छोड़ दिया गया, तो मोदी सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि उनको दोबारा साझा दो, उस तरीके से खुला मत छोड़ो। और उसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं और सब हम उनके साथ हैं। उसके साथ साथ जैसे मुसलमान महिलाओं के खिलाफ जो हो रहा है उसके बारे में थोड़ा बताओ। देखो, मुसलमान हो, दलित हो, कोई भी हो, हम उस हर अपराध के खिलाफ है जिनके साथ गलत हो रहा है। मोदी सरकार से हमारी सिर्फ यही मांग है कि उनको जो भी गलत कर रहा है उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दें और आगे से कम उन्हें ऐसी सजा दें जो और किसी के साथ कुछ ना कर सके। आज दिल्ली के विभिन्न महिला संगठन और उसमें प्रगतिशील महिला संगठन भी शामिल है, हम यहाँ पर जो ये बिल्किस बानो को न्याय मिले, बिल्किस बानो के हत्या, बिल्किस बानो कांड के दोषियों को जिस तरह से रिहाई दी गई है उसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम कुछ सवाल एक्चुअली पूछना चाहते हैं और सवाल रखना भी चाहते हैं। पहली बात तो ये कि जो ये रिहाई की गई है, ये सरकार, गुजरात सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई 1992 की पॉलिसी के तहत ये रिहाई की गई है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि पॉलिसी चाहे 1992 की हो, सवाल ये है कि इस तरह की रिहाई जहाँ पर इतने बर्बर
कांड के दोषियों को सजा मिली उनको इतने लंबे संघर्ष के बाद, और उनको जो रिहा किया गया है, इससे समाज के अंदर एक तो औरतों को ये संदेश दिया गया है कि पहली बात तो तुम्हें, हमने देखा कि बिल्किस बानो ने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी थी उनकी सजा के लिए और तब जाकर के इतनी सजा हुई है। पहली बात तो देश की औरतों को संदेश मिला है कि आप लड़ते रहिए, आपको न्याय अंततः नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, खास करके ये मोदी सरकार जो पहले दिन से ये दावा कर रही थी कि वो देश की मुसलमान औरतों की विशेषकर हितैषी है, हम उनसे ये बात पूछना चाहते हैं कि भाई मुसलमान औरतों की आप अगर इतने ज़्यादा हितैषी हैं तो ये क्या एक 21 साल की लड़की के साथ, 21 साल की गर्भवती महिला के साथ जितना अन्याय हुआ, आज उसके दोषियों को इस समय पर आप रिहा करके आप दरअसल में उन्मादी भीड़ को ये आप संदेश देना चाह रहे हैं कि ठीक है सत्ता में जब तक इस तरह के उन्माद पसंद ताकतें बनी रहेंगी तो वो कुछ भी कर लें, उनको हम सजा के बाद भी उनकी रिहाई कर देंगे, इस तरह का आप जो ये संदेश दे रहे हैं, इससे संदेश से ये साफ मैसेज आता है कि देश के अंदर न्याय नाम की चीज़ नहीं रह गई है, टारगेटेड वायलेंस जो है लगातार जारी रहेगी किसी ना किसी स्वरूप में लड़ाइयों के बावजूद। और ये विशेषकर इसका महत्व और बढ़ जाता है, अभी रिसेंटली जिस तरह से तीस्ता स्टील वार, जिस तरह से गुजरात दंगों के जो विक्टिम्स थे उनको जिस तरह से न्याय दिलाने के लिए तीस्ता ने जो लड़ाई लड़ी और उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की स्टेटमेंट देकर के गुजरात स्टेट ने फटाफट से एक्ट करते हुए उनको अरेस्ट किया, ये सारा दरअसल देश में एक ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ने वाले लोगों को, जो देश में अल्पसंख्यकों के साथ खड़े होने वाले यानी बेजुबान के साथ जो भी अगर खड़ा होगा उसको ये सजा मिलेगी, पहले तीस्ता वाला मामला और अब इन लोगों को रिहाई करने वाला मामला। तो मैं समझती हूँ कि चैलेंज हमारे सामने यही है कि बहुत बड़े पैमाने पर महिलाओं के बेसिक मुद्दे, उनका रोजगार, उनका शिक्षा, उनका इलाज, जो देश की महिलाओं के वास्तविक मुद्दे हैं, उनके ऊपर हमें औरतों को सड़कों पर हमें निकालना पड़ेगा। और यही इसीलिए यही आह्वान करने के लिए आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम सब यहाँ पर बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं, ख़ास करके मुस्लिम महिलाओं के साथ जो ये हुआ है उसको, उसके हक में प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। और मैं ये यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि इससे जो है मैसेज ये जाता है कि मुजरिमों को जो है इस देश में आज़ाद किया जाता है, जो निर्दोष होता है उसको हक नहीं दिया जाता है। ये सरकार जो है गूंगी बहरी हो चुकी है और ये सिर्फ आतंकवादी और जो आरएसएस के गुंडे हैं उनको ही बढ़ावा देती है और मुस्लिम औरतों को कोई हक नहीं मिल रहा है। मुस्लिम क्या, मैं तो यहाँ पे कहूँगी जितनी भी समाज की महिलाएं हैं, किसी के भी हक में इसने कोई भी काम नहीं किया, इंसाफ नहीं दिया है। ये सरकार जो है गूंगी बहरी बन गई है और ये कानून का भी मजाक और खिलवाड़ कर रही है। जो निर्दोष है उनको सजा नहीं दे रही है, जो और जिसके साथ जो पीड़िता है उसको ये मैसेज दे रही है कि देखो हम कितने बड़े गुंडे हैं कि हम गुंडे को आज़ाद करते हैं और महिलाओं के साथ नाइंसाफी करते हैं। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.